हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश, योर टेकमेट। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिक्स की तरफ से इंडिया में लॉन्च हो रहे नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स जीरो सीरीज का नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स जीरो 35G बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंड में या फिर सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में ये जो स्मार्टफोन है आपको डेफिनेटली इंडिया में देखने को मिलने वाला है। एंड इस स्मार्टफोन से जुड़े लगभग सारे स्पेसिफिकेशन अलॉन्ग विद डिजाइंस ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इन्फिनिक्स जीरो 30 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या क्या पॉसिबल स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, एंड किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आने वाला है, ओवरऑल कैसा रहने वाला है स्मार्टफोन, सारी चीजें डिस्कस करते हैं बस एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बातचीत को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। Infinix is doing a great job in build quality, क्योंकि Infinix Note 30 series में glass build दिया गया था, Infinix GT 10 series में glass build दिया गया है, and यहाँ पर भी आपको full glass build देखने के लिए मिलने वाला है। Glass front रहेगा, glass back रहेगा, आगे पीछे दोनों तरफ Corning Gorilla Glass 5 का protection आपको देखने को मिलेगा। मतलब build quality आपको तगड़ी मिलने वाली है, build quality में शिकायत आपको नहीं आएगी। And design की अगर बात करें तो good looking smartphone रहने वाला है। बैक पैनल से अगर आप देखेंगे टॉप लेफ्ट में आपको बड़ा सा कैमरा एलईडी दिया गया है, जहां पर तीन कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में आपको एलईडी फ्लैश मिल जाता है, जीरो की ब्रांडिंग आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगी। एंड फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सेंटर पंचोल वाला आपको डिस्प्ले दिया गया है, पतली सी चीन है, कर्व्ड एजेस यहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड यस गाइस, लिटरली बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, डिजाइन फोन का काफी अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपको ग्लास बिल्ड नहीं पसंद है तो यहां पर आपको लेदर फिनिश भी देखने के लिए मिलेगा, तो ये एक और एडेड एडवांटेज आपको मिलता है। मेरे हिसाब से बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन में कोई शिकायत नहीं आएगी, बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन आपको तगड़ी मिलने वाली है। नाउ डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो ये जो स्मार्टफोन है चीपेस्ट कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन रहने वाला है। एंड यस, प्राइस पॉइंट इसका काफी अग्रेसिव रहेगा। खैर डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो 6.78 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, जहां पर आपको फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा एंड 10 बिट का एमोलेड पैनल भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। मतलब कलर्स वगैरह आपको भरपूर मिलेंगे, व्यूइंग एंगल्स बढ़िया रहेंगे, कॉन्टेंट वॉचिंग में मजा आएगा, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। हालांकि HDR का सर्टिफिकेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा आई डोंट नो, लेकिन यस डिस्प्ले क्वालिटी कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया रहने वाली है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो आपको मिलेगा, 388 PPI की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइड वाइन L1 रहेगा, साथ ही साथ 800 nits के आसपास आपको ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगी, तो विजिबिलिटी भी डिस्प्ले की बढ़िया रहने वाली है, इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों अच्छी रहेंगी। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है भाई, डिस्प्ले क्वालिटी में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है, प्लस कर्व डिस्प्ले रहेगा तो प्रीमियम टच भी आपको देता है, तो डिस्प्ले क्वालिटी टॉप क्लास मिलेगी। बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन को शक्ति प्रदान करेगा मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 1100 प्रोसेसर। और ये जो प्रोसेसर है बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है भाई साहब, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, एनर्जी एफिशिएंट रहता है, हीटिंग का इशू आपको कम देगा, फोन का जो थर्मल मैनेजमेंट है वो काफी बढ़िया रहने वाला है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो 2.6 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, 4A78 वाले कोर्स आपको मिलते हैं, मतलब डे टू डे की परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिलेगी मिलेगी। साथ ही साथ मल्टीटास्किंग आपकी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, हेवी एप्लीकेशंस में भी आप मल्टीटास्किंग आराम से कर पाएंगे। साथ ही साथ गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM Mali G77 MC9 GPU आपको मिलता है, जो कि 9 कोर का GPU है एंड तगड़ी गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको देगा, साथ ही साथ ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके अच्छे से निपटा देगा, तो वहां भी आपको शिकायत नहीं आएगी। प्लस LPDDR4X RAM यहां पर आपको मिलेगा एंड UFS 2.2 वाला स्टोरेज देखने के लिए मिल सकता है। सो यस, UFS 2.2 की जगह अगर UFS 3.1 दे दिया जाए तो और ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे डायमेंसिटी 1100 आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। बात करेंगे कैमरास के बारे में, ये जो फोन है कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन रहने वाला है। 3 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल्स का एंड वहां पर आपको OIS का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। प्राइमरी कैमरा बहुत बढ़िया मिलने वाला है भाई, प्राइमरी कैमरा में आपको शिकायत नहीं आएगी, प्राइमरी कैमरा से 4K वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS पर, ये एक और अच्छी बात है।
साथ ही साथ यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने के लिए मिल सकता है एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल सकता है। 3 कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ फॉर श्योर देखने के लिए मिलेगा, OIS का सपोर्ट मिलेगा, ओवरऑल रेयर कैमरा आपको बढ़िया मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो सेल्फी कैमरा को लेकर के कोई बहुत बड़ी न्यूज तो निकल करके नहीं आई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर आपको पिछले साल की तरह ही 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा पर भी आपको OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है एंड ये काफी अच्छी बात है। ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कैमरा मॉड्यूल बहुत अच्छा मिलने वाला है। Infinix Zero 20 का कैमरा मैंने यूज किया था, काफी बढ़िया था एंड यहाँ पर भी आपको कैमरा मॉड्यूल बढ़िया मिलेगा, कैमरा में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है। बात करेंगे बैटरी के बारे में, 5000 mAh की बढ़िया साइज की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी, 6 नैनोमीटर का चिपसेट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, AMOLED का डिस्प्ले आपको मिलने वाला है, तो कंजप्शन कम रहेगा भाई साहब, बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलेगा, बैटरी बैकअप में शिकायत नहीं आएगी, नॉर्मल यूसेज पर एक दिन से ज्यादा का बैकअप आप आराम से निकाल लेंगे, तो वहां शिकायत आपको नहीं है। साथ ही साथ 45 वॉट की चार्जिंग फोन सपोर्ट करेगा एंड 45 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर भी मिलने वाला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्जर इन बॉक्स दिया गया है। ऑल राउंड फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, बाईपास चार्जिंग यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आएगी, बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है। चार्ज करने के लिए USB टाइप सी वाला पोर्ट आपको मिलेगा, 3.5 mm जैक मिलेगा या नहीं मिलेगा 50-50 है भाई, मतलब मिल भी सकता है ना भी मिले, क्योंकि कर्व फोन है तो थोड़ी सी जगह कम रहती है भाई, तो हो सकता है कि 3.5 mm जैक यहाँ पर आपको देखने को ना मिले, लेकिन सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, छूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स आपको मिलेंगे, तो सेंसर्स में तो आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड्रॉइड 13 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलने वाला है, साथ ही में आपको मिलेगा XOS 13। अब XOS 13 वो ब्लोटवेयर फ्री वाला मिलने वाला है या पहले वाला मिलने वाला है इस चीज को लेकर के इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपका ठीक ठाक रहेगा, सॉफ्टवेयर में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी, बहुत ज्यादा मजा भी नहीं आएगा, ओके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस रहेगा। बात करेंगे स्पीकर्स के बारे में, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो ऑडियो क्वालिटी तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है एंड DTS की ट्यूनिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो रहेगा फोन का वो काफी अच्छा रहेगा, डिस्प्ले अच्छा है, स्पीकर्स अच्छे हैं, मूवीज वगैरह देखने में आपको मजा आएगा। बात करेंगे कार्ड स्लॉट के बारे में, तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज यहाँ पर आपको मिलेगा, डेडिकेटेड के फॉर्म में मिलेगा या हाइब्रिड के फॉर्म में मिलेगा इस चीज को लेकर के इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए भाई साहब, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, कैमरास अच्छे हैं, बैटरी अच्छी है, स्पीकर्स अच्छे हैं, और क्या चाहिए भाई, मतलब सारी चीजें ही अच्छी यहाँ पर आपको मिलने वाली है एंड प्राइस पॉइंट भी काफी अच्छा रहने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो फोन है बताया जा रहा है कि 8+256 के बेस वेरिएंट में लॉन्च होगा एंड शायद 8+256 ही रहेगा, ज्यादा मल्टीपल वेरिएंट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है समवेयर अराउंड 20,000 ही आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है एंड 20,000 के आसपास मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी पिक रहेगी भाई, बहुत अच्छा है स्मार्टफोन है, मतलब लगभग सारे बॉक्सेस को टिक करता है एंड यस मेरे हिसाब से अगर ये स्मार्टफोन 20,000 के आसपास लॉन्च होता है डेफिनेटली रिकमेंडेड रहेगा। नाउ लेट्स सी इन्फिनिक्स के मन में क्या चल रहा है, वैसे अभी जो इन्फिनिक्स ने स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं वो काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किए हैं, तो उम्मीद है हमारी इन्फिनिक्स से काफी सही है, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार है इस फोन के बारे में, कैसा है स्मार्टफोन, क्या आपको लगता है किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें एंड ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।